नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं हमारा ये दार्जिलिंग का टूर और ये है अगला पार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में जिस तरह से बंगलों का टूर किया था, ये वीडियो में हम लोग आपके साथ टी गार्डन का टूर करेंगे। आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग एक जीप में हैं और जीप से हम लोग मूव कर रहे हैं पहाड़ों के बीच से टी गार्डन के अंदर। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि टी गार्डन विजिट कैसा होता है, टी गार्डन टूरिज्म कैसा होता है। टी गार्डन टूरिज्म बेसिकली ऐसे ही होता है, आपको लिटरली जंगलों के बीच से, टी गार्डन के बीच से निकलना पड़ता है। जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। आप लोग साइड में देख रहे होंगे, एकदम एजेस से निकल रही है और सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे एक रोप वे भी, अगर सामने आपको एक टावर दिख रहा होता तो मैं आपको बताता कि ये पुलुंगडुंग है और हम लोग अभी पुबोंग में हैं। और इस तरफ जो हम लोग अभी आ रहे हैं, ये पुबोंग के अंदर ही आ रहे हैं। सड़क देखिए आप, ये पहाड़ी पे जो हम लोग जा रहे हैं, ये पुबोंग टी एस्टेट का पहाड़ी है। सामने जो आप देख रहे हैं वो पुलुंगडुंग है। ये रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, यकीन मानिए बहुत ही रोमांचक लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, कमर कस के बैठना पड़ता है। कोहरा तो इतना रहता है कि पूछिए मत, पर वाकई में इतना सुंदर लगता है यहाँ पे गुजरना, यहाँ से जाना। ये रोमांचक भी है और मज़ेदार भी है, इसको कोई मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से हम सबको कभी ना कभी जीवन में एक बार टी गार्डन में ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग घूमते हुए सीधा निकलेंगे फैक्ट्री की तरफ। हर दिन जो सुबह की चाय की प्याली हमारे टेबल के सामने आती है, उसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, इस एजेस पे लोग खड़े होकर किस तरह से काम करते हैं, अगर आप ये देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो शायद चाय की इज्जत ज़्यादा करने लगेंगे। यहाँ पर जीजा जी कुछ समझाते हुए कि यहाँ इस एरिया में कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनको लगाने से, जिनकी यूज़ करने से एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। वाकई में सिर्फ पैसे होने से शायद टी गार्डन नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए रुचि की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो देख रहा था कि कैमरा पकड़ना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ही ऊबर खाबड़ जगह है और इनफैक्ट पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर से ये 4x4 की गाड़ी चल रही है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक अजीब बात लग रही थी। खैर, मैं सामने बैठा हुआ था और कैमरे को जैसे तैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद में था या तो कोई जंगली जानवर दिख जाए या तो मुझे कोई लोग दिख जाए जो पत्ते प्लक कर रहे हैं। और किस्मत देखिए, हमें दो लोग काम करते हुए दिख गए। हम लोगों ने हॉर्न दिया तो उन्होंने अपना सर घुमाकर एक बार ही देखा और मैंने कोशिश किया कैप्चर करने का। ये देखिए, वो काम करती हुई, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करती हैं ये सब के सब यहाँ। अब ये जो जगह पे हम लोग घुस रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि गाड़ी जो है कभी भी पलट सकती थी। एकदम एजेस के ऊपर से भी था और कल रात को बारिश भी हुई थी, तो यहाँ से गुजरना वाकई में काफ़ी मुश्किल लग रहा था। और एक्चुअली में इस जगह पे काफ़ी सारे ब्लैक पैंथर्स और लेपर्ड्स दिख जाते हैं। खैर, मैं जैसे तैसे करके अपना कैमरा संभाल रहा था और कोशिश कर रहा था कि इसको पूरी तरीके से कैप्चर किया जाए। अब बारी थी जंगलों में उतरने की। नाउ इट्स टाइम फॉर ए कन्फेशन। यहाँ से कैमरा मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, कैमरा इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय माय नेफ्यू, मेरा भांजा जेरी। अभी यहाँ से कुछ को ही कैमरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ये सच है कि यहाँ से मूव करना, यहाँ से आगे बढ़ते रहना पत्तों के बीच में से, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ये टी गार्डन हैं, सारे के सारे चाय की पत्तियों के बगान है। यहाँ से जाना अपने आप में बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस रहा होगा, विच आई मिस्ड। बट एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं आता तो मुझे बहुत डर लगता, क्योंकि बहुत 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 कीड़े हैं यहाँ पे।
ये जो 25, 26 कह रहे हैं ये सब चाय बगान के एस्टेट्स के अंदर के नंबर्स हैं। इतने स्टीप एरियाज में ये लोग खड़े होकर के काम करते हैं, वो भी इतने स्लिपरी जगह पे, बिल्कुल जंगलों के बीच में से, अलॉन्ग विद ऑल द कीड़ा यहाँ पे, सच में काबिल तारीफ है। चाय बागान जो होती हैं वो एक एक बागान में जितने सारे यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स के नंबर्स होते हैं, और नंबर्स के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 26 नंबर का यूनिट है पुबोंगटी एस्टेट का, एकदम चाय बागान के अंदर से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं एकदम घना जंगल है, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जा सकता पर्सनली तो शायद आप इसको समझ सकते हैं कि चाय बगान ज़रूर है लेकिन ये बगीचा जैसा नहीं है, ये एब्सोल्युटली एक घना सा जंगल है जिसके अंदर रात में तो खैर यहाँ कोई आने की सोचता भी नहीं है, दिन में भी यहाँ पे काफ़ी रिस्क होता है। तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सच में रिस्क लेकर काम करते हैं, एक बार भी पैर स्लिप किया तो आप सीधा नीचे की तरफ बढ़ेंगे फिसलते हुए। यहाँ पे चलना काफ़ी रिस्की लगता है लेकिन सही में हैट्स ऑफ टू माय भांजा जेरी, जिसको हम लोग कुछ भी बुलाते हैं, कि इतने खतरनाक रास्ते में वो अपने आप को भी मैनेज कर रहा है, एक हाथ से कैमरा भी मैनेज कर रहा है, फ़ोटो भी ले रहा है, वीडियो भी बना रहा है। तो जो चीज़ मैं उसकी कर सकता था मदद, मैं वो कर ही नहीं पाया डर के मारे, और वो कर बैठा। ये एक छोटा सा बांस का एक पुल जैसा है, इसके ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा। पिछले दिन रात में बहुत बारिश हुई है, यहाँ से निकलना मानो एक खतरों से खेलने जैसा बात लग रहा है। और इस घने जंगल और बागान के बीच से ये भैया हम लोगों को रास्ता दिखाते हुए, ये हमारी आँख, नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत मिस किया। सही में मैंने मिस तो किया लेकिन मैं बहुत 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 घबरा गया था यहाँ आने से, और इसीलिए मैंने जब कैमरा दिया जेरी को कि भाई तुम जाके करवा लो ये रिकॉर्डिंग हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, तो बिना हिचकिचाए वो तो चला गया। और आप देख रहे हैं ये फुटेज, ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही रेयर वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि ऐसे टी गार्डन के बीच से वॉक करते हुए जाना ऐसे वीडियोस बहुत कम हैं। जीजा जी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे इसलिए कूदने लगे थे, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और ये जो हैं ये वहाँ हम लोगों ने एक टी एक्सपर्ट को ले गए थे, मोदी जी इनका नाम है, और यहाँ पे और हम लोग टी गार्डन के अंदर चलते हुए, ये पामो भैया हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि कितने एजेस से निकलना पड़ता है, और ये लोग जो यहाँ काम करते हैं वो कितने एजेस में खड़े होकर के काम करते हैं, आपको सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्ते प्लक किए जाते हैं। क्योंकि बहुत ही स्टीप जगह है तो स्वाभाविक है कि सब लोग जो हांफने लगे थे ऊपर चढ़ते वक्त। यहाँ आप लोग बाखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों की मॉनिटरिंग करी जा रही है, पूरे विश्व जगह को आप देखिए कि बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा, और ये सब लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं, आपको सीधा यहाँ से लाइव दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वीडियो जो है फुटेजेस अच्छा खासा लिया है जेरी ने ताकि मैं आप सबको यहाँ दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। ये वाला, हाँ ये मेरे मामा का है, मेरा वाला लाया नहीं अभी। इस चाय बगान के टूर को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, अगले वीडियो में फैक्ट्री का नज़ारा लेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच।